नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश थाना गुन्नूर केसमपुर डांडा में हुई हत्या और तथा मिले नर कंकाल का सफल अनावरण, मृतक की भाभी एक अन्य युवक गिरफ्तार कर भेजा जेल। उत्तर प्रदेश संबल जनपद संबल के गुन्नूर क्षेत्र के ग्राम ईसमपुर डाडा के जंगल में एक नर कंकाल मिला, जिसकी सूचना ईसमपुर डाडा चौकीदार द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ उप निरीक्षक अजीत सिंह मौके पर पहुंचे तो वहां मिले नर कंकाल की पहचान उसके परिजनों द्वारा कंकाल के वस्तुओं व जूतों को पहचान कर पुष्पेंद्र पुत्र राधेश्याम निवासी ईसमपुर डाडा थाना गुन्नूर के रूप में की गई। पुलिस द्वारा की गई विवेचना में सोमवती पत्नी अरविंद, अन्य एक अभियुक्त अमित उर्फ नीरज पुत्र हेमपाल को हत्या में प्रयुक्त हुई रस्सी तथा मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। संबल संवाददाता सालेहीन अशरफी की रिपोर्ट। सर, ये गुन्नौर थाना क्षेत्र में कंकाल मिलने को लेकर एक आप अनावरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? सर, थाना गुन्नौर के अंतर्गत 17 जनवरी को एक ईख की खेत में एक नरकंकाल मिला था, जिसके आधार पर उसकी जो पहचान की गई गांव के ही एक पुष्पेंद्र नामक युवक के रूप में की गई थी। उसके परिवारीजनों की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया था। इसमें आज इसका अनावरण करते हुए जो मृतक था उसकी भाभी और उसके गांव के ही एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि इस मृतक के बड़े भाई और उसकी भाभी, इन दोनों लोगों ने प्लान बनाकर गांव के ही अपराधी किस्म के तीन अन्य युवकों के साथ में मिलकर इसका ये मर्डर कराया था और आज इसका अनावरण किया जा रहा है। इसकी जो भाभी है और उसको जेल भेजा जा रहा है, लेकिन इसके बड़े भाई की मृत्यु इस बीच में हो चुकी है और इस घटना के सफल अनावरण के लिए गुन्नौर की थाने की पुलिस के द्वारा अनवरत परिश्रम किया गया।